हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तुड़ी मॉम बेबी केयर। आज हम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है बेबी हेड डाउन पोजीशन, जो कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी डिलीवरी डेट से एक महीना पहले या कुछ हफ्ते पहले करता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे का हेड नीचे की ओर आना। काफी बच्चे तो हर 10 में से 7 से 8 महिलाओं के बच्चे सही समय पर हेड डाउन कर लेते हैं और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सही समय पर हेड डाउन नहीं कर पाते या हेड डाउन करने के बाद फिर से ब्रीस्ट पोजीशन में आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है, क्या आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी, हम बात करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 32 से लेके 38वें हफ्ते के बीच में बच्चा कभी भी हेड डाउन कर सकता है। अगर बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया है तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो पाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तब आपका सी सेक्शन के जरिए बच्चे को बाहर निकाला जाता है। लेकिन होता क्या है कि बच्चा हेड डाउन करता ही नहीं है। अगर आपके गर्भ में 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो इस केस में हो सकता है कि एक बच्चा हेड डाउन कर ले और एक बच्चा ब्रीच पोजीशन में रहे। नंबर 2, अगर गर्भ में पानी की कमी है, एमनियोटिक फ्लूइड कम आया है, तो इस केस में बच्चा सही समय पर हेड डाउन नहीं कर पाता है या करता ही नहीं है। नंबर 3, अगर गर्भ में पानी ज्यादा है, अगर बच्चे के आसपास वाला पानी ज्यादा होगा तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आने के बाद फिर से अपनी पोजीशन को रोटेट यानी कि ब्रीच पोजीशन और वर्टिक्स पोजीशन में आ सकता है। नंबर 3, अगर बच्चे के गले में नार है तो इस केस में भी काफी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका बच्चा ब्रिज पोजीशन में हो सकता है, क्योंकि अगर समय से पहले बच्चे के गले में या बॉडी पार्ट पे नार आएगी तो नार बच्चे को हेड डाउन करने में डिफिकल्टीज दे सकती है, तो आपका बच्चा ब्रिज पोजीशन में पाया जा सकता है। अगर बच्चा पेट में कमजोर है या ज्यादा उसका बच्चे का वेट बढ़ चुका है तो इस केस में भी बच्चा ब्रिज पोजीशन में आ सकता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस केस में आपका जो बेबी है होता सुरक्षित है, लेकिन डिलीवरी आपकी सी सेक्शन के जरिए की जाती है। काफी महिलाओं में देखा जाता है कि उनका 5वां, 6वां, 7वां महीना है, प्लेसेंटा की उनको समस्या रहती है, प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा अगर हो तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चा कई बार नॉर्मल डिलीवरी की पोजिशन ले लेता है, लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर्स द्वारा करनी इम्पॉसिबल हो पाती है। तो अगर आप में भी प्लेसेंटा की समस्या है तो कुछ भारी काम ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कई बार प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ सकता है और नॉर्मल डिलीवरी हो भी सकती है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया वाली महिलाओं में ज्यादातर यही देखा जाता है कि उनकी डिलीवरी सी सेक्शन के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम से पहले आपको स्टार्ट हो सकती है। इन्फेक्शन की समस्या है तब भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सही समय पर हेड डाउन तो कर लेता है लेकिन नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो सकती है। तो इस समय में आपको ध्यान रखना है, अच्छी नींद लीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, भारी काम ना करिए, टेंशन फ्री रहिए, बीपी थायराइड की मेडिसिन अगर आपको लगी हुई है तो टाइम टू टाइम खाइए, कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स टाइम टू टाइम आपको खानी है। तो आप प्रेगनेंसी के कौन से महीने में चल रही है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।